हेलो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप। हमने इसके साथ एक पहले वीडियो बना रखी है जिसके अंदर हमने आपको इसके डबल आईसी के ऑडियो कार्ड के हमने वो कनेक्शन करके बताए थे। ये वही ऑडियो कार्ड है। आज हम इसके अंदर ये वॉल्यूम देख सकते हैं आप, ये वॉल्यूम कनेक्ट कैसे करें ये आपको बताएंगे। ठीक है, तो हम जल्दी से सारे कनेक्शन पहले की तरह फिर से कर लेते हैं, जैसे कि इस कार्ड के सप्लाई के। ठीक है, और फिर हम आपको इसके कनेक्शन बताएंगे कि इसके कनेक्शन किस तरीके से होंगे। तो आइए हम जल्दी से ये सारे कनेक्शन कर लेते हैं। जैसा कि ये आप देख सकते हैं, हमारा वही ऑडियो कार्ड है। ठीक है, हम इसमें 5 वोल्ट और ग्राउंड देख के लगाएंगे। ये देख सकते हैं आप, ये वाला हमारा 5 वोल्ट है जो मेरे पकड़ रखा है तार, और ये वाला हमारा ग्राउंड है। ठीक है, तो 5 वोल्ट और ग्राउंड को हम जल्दी से कनेक्ट कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पे 5 वोल्ट लगा दिया और ये हमने यहाँ पे ग्राउंड लगाया। ठीक है, और इसी तरीके से हम इसके अंदर सप्लाई के वायर लगाएंगे। तो सप्लाई के वायर लगा रहे हैं इसमें, ये देख सकते हैं आप, ये VCC आ गया 12 वोल्ट। ठीक है, और ये हमने ग्राउंड दिया। ग्राउंड आप पहले मैं बता चुका हूँ, कहीं पे भी दे सकते हैं, तो हम इसको ग्राउंड यहाँ पे देते हैं। ठीक है, इस तरीके से। और अगर आपको इस वीडियो में इसके कनेक्शन ना समझ में आए, तो हमने एक चैनल इसी चैनल पर एक अलग से वीडियो सेपरेट बना रखी है इसके कनेक्शन किस तरीके से होते हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, इसके कनेक्शन इस तरीके से होते हैं कि आपको ये जो पिन है, ये वॉल्यूम का ये घुमाने वाला कंट्रोलर, ठीक है, इसको आप अपनी तरफ रखें और इसको इस तरीके से रखें, और इसका होता है IO और G, मतलब इनपुट आउटपुट, और बीच में ये सेंटर में ये होता है ग्राउंड। मतलब ये आपको मैं फिर से बताता हूँ, ये देखिए, ये होता है IO G, मतलब इनपुट आउटपुट और ग्राउंड। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट और ग्राउंड को हम कनेक्ट कर लेते हैं। जो हमारा इनपुट होगा पिन नंबर 1, वो हमारा होता है इसका जो ये लगेगा। पिन नंबर 2 जो ये होता है सेंटर में, ये होता है इसके लिए, और ये होता है दोनों के ग्राउंड को मिलाने के लिए। तो आइए हम इसका कनेक्शन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये इसके कार्ड की वायर्स हैं, तो हम इनको इस तरीके से रख के, हमें पता है कि इसमें सेंटर में ये ब्लू वाला ग्राउंड है। ठीक है, तो हम इन दोनों को पहले कनेक्ट करते हैं। हम इन दोनों को यहाँ पर लगाएंगे कुछ इस तरीके से। एक वायर हम यहाँ लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे लगाएंगे एक वायर। एक सेकंड, ये पकड़ में नहीं आ रहा है, इस तरीके से। ये हमने एक वायर यहाँ पे लगाया, एक मिनट, शोल्डर ले लेता हूँ मैं थोड़ा सा। इस तरीके से एक वायर हमने यहाँ लगाया, और दूसरा वायर हमने दूसरे चैनल पे लगाया कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हमने दोनों वायर्स लगा दिए, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, और ये हमने इस तरीके से वायर्स लगा दिए हैं। अब ये जो हमारा ब्लू वाला है ग्राउंड है, तो हम इस ग्राउंड को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से। इस तरीके से हम यहाँ पे इस ग्राउंड को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमने इस ग्राउंड को यहाँ पे अटैच कर दिया है, और इस तरीके से हम कनेक्ट करेंगे इसे। और इस तरीके से हमने इसमें ग्राउंड लगाया है, उसी तरीके से हम इसका ग्राउंड इसमें कनेक्ट करेंगे। तो आइए हम इसको भी जल्दी से कनेक्ट कर लेते हैं। तो पहले हम यहाँ पे सोल्ड कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ग्राउंड इस साइड और इस साइड का, दोनों का हमें ग्राउंड मैच कराना पड़ेगा। तो ग्राउंड के लिए हम ये ग्रीन वायर ले रहे हैं जो कि हम यहाँ पे लगाएंगे। तो ये देखिए, हम इस तरीके से यहाँ पे ग्रीन वायर लगा देते हैं। ठीक है,
ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से हमने यहाँ पे ग्रीन वायर लगा दिया है, ठीक है। और अब यहाँ पे बीच में हम इसकी ऑडियो देंगे, जो कि हम इधर से इन वायर से देंगे, ये वाले वायर, ठीक है। तो इनमें से एक वायर को लेके हम इसमें कनेक्ट कर देते हैं वॉल्यूम में, ये देखिए इस तरीके से, इस तरीके से यहाँ पे हमने इसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और दूसरा वायर लेते हैं, ये रहा, इस वायर को हम आगे से यहाँ पे लगा देते हैं, ये देख सकते हैं आप इस तरीके से हमने इसको भी यहाँ पे लगा दिया है, सॉरी ये आपको दिखा नहीं, ये देख सकते हैं आप इस तरीके से। तो हमने इस तरीके से तीन वायर्स निकाल लिए हैं, ठीक है। तो तीनों के तीनों हम इस बोर्ड पर लगाएंगे, तो ये दोनों वाइट वाले लगाएंगे लेफ्ट राइट पे, और ये हमारा ग्रीन है ग्राउंड, तो ग्रीन को हम कहीं पे भी ग्राउंड कर देते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे इसे ग्राउंड कर देता हूँ, ठीक है। ग्रीन को यहाँ ग्राउंड किया मैंने, सॉरी यहाँ ग्राउंड नहीं हो रहा, यहाँ पर कर देता हूँ, ये मैंने देखिए ये यहाँ पे मैंने ग्राउंड कर दिया है, ठीक है। अभी लेफ्ट और राइट चैनल्स में इस पर लगा देता हूँ, ये है पिन नंबर दो, ये देख सकते हैं हमने एक हमने एक आईसी पे हमने ऑडियो इनपुट दे दिए, ये हमारा ग्रीन ग्राउंड हो गया। अब ये वाला हम इसके अंदर पिन नंबर दूसरी आईसी पे, सॉरी दूसरी आईसी की पिन नंबर टू पे हम इस वायर को कनेक्ट करेंगे। ये हम थोड़ा सा इसको पहले इस वायर काट लेते हैं, ये थोड़ा सा, तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से इसे घुमा के लगा लेते हैं, ये इस तरीके से हम पिन नंबर दूसरी पे भी लगा देते हैं, दूसरी आईसी के। आइए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारी ऑडियो आती है कि नहीं आती है। तो ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये मैंने स्टार्ट तो कर दिया पर स्पीकर तो लगाया ही नहीं था, ये चलिए स्पीकर लगा लेते हैं पहले। तो ये हम स्पीकर यहाँ पे लगा देते हैं, ये हमने यहाँ पे स्पीकर की एक वायर लगा दी, आइए हम यहाँ पे दूसरी वायर लगा देते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको चालू कर रहे हैं, देखते हैं कि ऑडियो कम ज़्यादा होती है कि नहीं। ये हमने इसे चालू कर दिया है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये हमारा सप्लाई का वायर फिर उखड़ गया, ये यहाँ से, ठीक है। तो हम इसको पहले इसको लगा लेते हैं अच्छी तरीके से, ये लीजिए, अब नहीं हट सकता ये। तो आइए अब हम इसको प्ले करके देखते हैं कि ये चलता है, और चलता भी है तो कैसे चलता है। ये देखिए कार्ड में लाइट आ चुकी है, वॉल्यूम बिल्कुल ज़ीरो है, तो मैं यहाँ से वॉल्यूम बढ़ाऊँगा, देख सकते हैं ये स्पीकर रहा, ये मैंने कार्ड पे एफएम लगा रखा है, इसे एसडी कार्ड पे कर दिया, ये देख सकते हैं, ये देखिए वॉल्यूम बिल्कुल कम हो गई है। अब मैं इससे वॉल्यूम बढ़ाऊंगा, ठीक है, और वॉल्यूम देखते हैं बढ़ती है नहीं बढ़ती,
ये देख सकते हैं, ये देखिए इधर ये आवाज़ बढ़ रही है, ये देख सकते हैं आवाज़ बढ़ रही है, आवाज़ घट भी रही है। आइए अब मैं आपको इस वाले चैनल से बजा के दिखाता हूँ, मतलब दूसरी आईसी से बजा के दिखाता हूँ कि ये बज रहा है कि नहीं बज रही दूसरी आईसी। एक से तो मैंने आपको दिखा दिया, तो अब आपको मैं दूसरे वाली से दिखाता हूँ चला के। ये है अब हमारा दूसरी आईसी की साइड, ठीक है, तो मैं आपको इधर वाली साइड से बजा के दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं मैंने स्पीकर दूसरी साइड लगा दिए हैं, ये देखिए पहले इस साइड लगे थे स्पीकर, अब इस साइड लगा दिए मैंने। अब देखते हैं इसे फिर चला के चलती है नहीं चलता। ये देख सकते हैं आप एसडी कार्ड देख सकते हैं, अब मैं इसे चालू करता हूँ, देखते हैं चलता है नहीं चलता। ये देखिए एसडी कार्ड चालू हो गया, कार्ड चालू हो चुका है सॉरी। अब इसको आवाज़ बढ़ाते हैं, ये देख सकते हैं, ये देखिए अब ये वाला चल रहा है, ठीक है, ये देखिए आवाज़ भी कम ज़्यादा हो रही है, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं इससे, ये देखिए आवाज़ कम हो रही है, बिल्कुल कम हो गई है, ठीक है। अब ये देखिए आवाज़ से फिर दे रही है। हम आपको ज़्यादा देर तक गाना बजा के नहीं सुना सकते क्योंकि हमारी इसको वीडियो पे कॉपीराइट का ऑप्शन आ जाएगा और आप इस तरह के बहुत अच्छी वीडियो देख नहीं पाओगे। थैंक यू फॉर हमारी वीडियो देखने के लिए, हमारी वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।